नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण विरोध अभियान के दौरान मां बेटी की मौत की घटना के पर राहुल गांधी ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने इस मामले में भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बुलडोजर नीति इस सरकार की क्रूरता का चेहरा बन गई है। जब सत्ता का अहंकार लोगों के जीने के अधिकार को छीन लेता है तो उसे तानाशाही कहते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि कानपुर की घटना से मन व्यथित है, साथ ही बुलडोजर नीति इस सरकार की क्रूरता का चेहरा बन गई है, भारत इसे स्वीकार नहीं करता है। और बता दें कि कल कानपुर में काफ़ी दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई, जहां पर मां बेटी की मौत हो गई है। और इस दौरान बता दें कि लगातार यूपी में इस तरह की घटना कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ ही सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहा है। इस दौरान बता दें कि बृजेश पाठक का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें आरोपी होगा इसको लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए पीड़ित परिवार से भी बातचीत की है। वहीं अब कानपुर मामले को लेकर राहुल गांधी का बयान सामने आया है। वे बीजेपी को जमकर घेरती हुई नजर आई है। तानाशाही सरकार उन्होंने कहा है, और साथ ही बुलडोजर की नीति को लेकर एक सरकार का घमंड वाला चेहरा सामने आया है। ये लगातार वे बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। और बता दें कि कल उत्तर प्रदेश में एक काफ़ी दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसके बाद से लगातार विपक्ष सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। और साथ ही बता दें कि इसको लेकर लगातार सरकार जो है किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और इसमें कौन आरोपी है इसको लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कहती हुई नजर आ रही है। और इसको लेकर लगातार देखने को मिल रहा है कि जो विपक्ष है वे बुलडोजर को नीति को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। इस दौरान डिप्टी सीएम भी लगातार इस कांड के बाद से जो आरोपी है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। लंबे समय से बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री खूब चर्चाओं में हैं। अपने ऊपर लग रहे तमाम आरोपों के बीच अब धीरेंद्र शास्त्री ने बता दी कि एक निजी न्यूज चैनल में खुलकर अपनी बात कही है। इस दौरान उन्होंने बता दें कि हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तीन तिहाई लोग ये बोलेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो तो क्या ऐसा नहीं होगा। लंबे समय से बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री खूब चर्चाओं में है। अपने ऊपर लग रहे तमाम आरोपों के बीच अब धीरेंद्र शास्त्री ने एक निजी न्यूज चैनल में खुलकर ये बात कहते हुए नजर आए थे। और एक बार फिर से उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तीन तिहाई लोग ये बोलेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होगा ही। साथ ही उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जैसी विचारधारा होने पर उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान के विचार उनमें मिलते हैं तो पाक को विचार बदलना चाहिए। हम सारे हिंदू हैं, यहां तक कि पाकिस्तान वाले भी हिंदू हैं। सनातन और हिंदू अलग है ही नहीं, जैसे सूर्य और किरण अलग नहीं है वैसे ही अलग ये नहीं है। जैन और बुद्ध भी हमारी आत्मा है। जो लोग ये मानते हैं कि हमारी जिद नाजायज है उन्हें दिमागी रूप से कोई परेशानी होगी। और बता दें कि धीरेंद्र शास्त्री इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में हैं और साथ ही इनके काफ़ी बयान भी सामने आ रहे हैं। और बता दें कि निजी न्यूज़ चैनल पर इन्होंने अपनी ये तमाम बातें कही है। वही कानपुर में बांग्लादेशी नागरिक रिजवान के अवैध रूप से रहने वाले मामले विधायक बता दें कि इरफान सोलंकी को आरोपी बनाया जा चुका है। वहीं फरार चल रहे पार्षद मनु रहमान की जांच टीम ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि महीने से फरार चल रहे समाजवादी पार्टी के पार्षद मनु रहमान को पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया था। जानकारी के मुताबिक मुकदमा बता दें कि संख्या मलगंज के मामले में बांग्लादेशी नागरिक रिजवान और उनके परिवार को भारतीय नागरिक बनाने के लिए प्रमाण पत्र दिया था। पार्षद मनु रहमान को आज पुलिस ने कैंट क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है।
औरैया में जोरों शोरों पर हो रहे लगातार अवैध लकड़ी लूट, बता दें कि लकड़ी कटान को लेकर क्षेत्रीय वन संरक्षण औरैया पर लकड़ी माफियाओं के लिए साठगांठ पर अवैध लकड़ी काटने का आरोप लगाते हुए, बता दें कि कोयला व्यापारियों के अध्यक्ष कोयला भट्टी एसोसिएशन औरैया के मुख्य वन संरक्षक कानपुर मंडल से शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि औरैया में कंटर मशीन में से लकड़ी की अवैध रूप से कटान की जा रही है, जिसमें हम लोगों के द्वारा कई बार क्षेत्रीय वन संरक्षण से शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वही कटर मशीन से अवैध लकड़ी को काट कर राज्य से बाहर भेजी जा रही है। तो वहीं औरैया नगर वन क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए पहुंचे मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र कानपुर शेष नारायण ने बताया है कि मामला मेरे संज्ञान में आया है, शिकायत के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं झांसी के मऊरानीपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले थाना कटेरा के ग्राम मगरवाड़ा में थाना प्रभारी कैशल किशोर मिश्रा के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट झांसी में आदेश पर उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम 1986 की धारा, बता दें कि 14(1) के तहत मोनिका कबूतरा पत्नी आदेश कबूतरा की 0.352 हेक्टर भूमि कुर्क की गई है। ये कार्रवाई मौजा मगरवाड़ा के थाना पुलिस कटरा के द्वारा की गई है। झांसी के सिपड़ी बाजार थाना क्षेत्र के ओम शांति ग्रीन कॉलोनी में एक मकान में धुआं देखने को मिला है और साथ ही बता दें कि धुआं के साथ ही आग के लपटों में यह तब्दील होता हुआ नजर आया है, जिसपे पूरे कॉलोनी में हड़कंप सा मच गया है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और इस दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने किसी तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश में लगातार वे जुटी रही है। और साथ ही बता दें कि ये पूरा मामला ओम शांति नगर ग्रीन कॉलोनी में रहने डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव के घर का है, जहां पर अचानक आग लग गई। आग धीरे धीरे विकराल रूप में बदल गई। गनीमत थी कि उस समय घर पर कोई मौजूद नहीं था। इधर आगजनी की घटना सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मी ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पाया। इस आगजनी की घटना में करीब 4-5 लाख कीमत की जो गृहस्थी के सामान है वे जलकर राख हो गए हैं। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के पुलिया नंबर 9 में नाम बदलकर खुद को सीबीआई ऑफिसर बताकर रहने वाले कोचकी प्रभारी ने गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि ये मामला प्रेमनगर थाना प्रभारी संजय शुक्ला के नेतृत्व में पुलिया नंबर 9 चौकी प्रभारी देवराज मौर्य अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे, तभी मुखबिर की सूचना मिली कि ये युवक राजस्थान के नाम बदल कर रह रहा है और खुद को सीबीआई ऑफिसर बता रहा है और लोगों को धमकाता भी नजर आता है। इस पर देवराज मौर्य ने बता दें कि जानकारी मिली और इस दौरान देवराज मौर्य ने उक्त युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम बलराम निवासी भरतपुर राजस्थान बताया है, साथ ही वे वाहिद नाम से पत्नी की टंकी इरफान के मकान में रह रहा है। झांसी के ग्राम खजुराना तहसील टैरोली में बता दें कि डालचदर सैन के बकरी ने मानव के सम्मान दिखाई देने वाली विचित्र बकरे को जन्म दिया है, जिसे देखने के लिए लोग जमघट लगा हुआ है और साथ ही दूर दराज से लोग इस बकरे को देखने के लिए आते हुए नजर आते हैं। पीलीभीत के थाना न्यूड़िया क्षेत्र के बता दें कि बेखौफ चोरों ने तालाबंद मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि सुबह न्यूड़िया में वार्ड 3 में रहने वाले मोहम्मद ताहिर अपने घर में ताला डालकर परिवार के साथ बाहर रहकर काम कर रहा था। आज जब वे परिवार के साथ वापस अपने घर आया तो उन्होंने देखा कि ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सारे सामान बिखरे पड़े हुए थे। पीड़ित का कहना है कि इससे पहले भी कई बार चोर उसके घर को निशाना बना चुका है। पीड़ित ने मामला दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआवजा किया है और साथ ही चोरों की तलाश में लगातार जुट गई है।
काली मंदिर और अन्य मंदिरों के घंटे चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने 25 घंटे एवं बता दें कि सूर्य प्रतिमा चिन्ह सहित गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि विगत रात पर मरवानीपुर नगर के मोहल्ला नदी पार कटरा स्थित काली मंदिर और साथ ही अन्य मंदिर में लगे दर्जनों पीतल के घंटे को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया जाता था। मामले को लेकर मोहल्ला निवासी सहित नगर के अन्य गणमान्य नागरिक ने मंदिर में हुई चोरी की घटना में काफी निंदा की है। मंदिर के महंत द्वारा अज्ञात चोरी के खिलाफ मऊरानीपुर कोतवाली के धारा 557, 380, 411, 413 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक प्रशांत यादव, सिपाही ज्ञान सिंह और हरी शंकर ने अज्ञात चोरों के खिलाफ विशेष अभियान की शुरुआत की है और पुलिस को कुछ ही समय बाद ही बड़ी सफलता मिल गई। ललितपुर में भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक रामरतन कुशवाहा के जन्मदिन के उपलक्ष में एक विशाल ब्लड बैंक कैंप लगाया जाएगा, लेकिन ब्लड बैंक समय से नहीं पहुंचने के कारण यह कैंप नहीं लगाया गया। आपको बता दें कि यहां पर ब्लड बैंक का कैंप तकरीबन शुक्रवार को लगाया जाना था, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी यहाँ पर ब्लड बैंक नहीं पहुँचा है, जिसकी वजह से मरीज, उनके तीमारदार और साथ ही ब्लड डोनेटरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सवाल यही है कि अगर ब्लड बैग समय से नहीं पहुंचते हैं तो कैसे कैंप लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के मदरसा शिक्षा परिषद के सदस्य और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री तहवीर रिजवी के महोबा में संचालित दौरुल उलूफ समादिया निस्वा मदरसे का औचक निरीक्षण किया है। मदरसे में बच्चों की संख्या कम देखी गई है, साथ ही मदरसे की व्यवस्थाओं में लापरवाही बरतने के कारण लोगों ने कड़े शब्द में इसकी नाराजगी जताते हुए मदरसा के मैनेजमेंट को सरकार की मंशा के अनुरूप व्यवस्था को बेहतर रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को अन्य स्कूलों में भर्ती अच्छी शिक्षा मिल सके। दरअसल आपको बता दें कि मदरसा शिक्षा परिषद के सदस्य और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री तनवीर रिजवी महोबा के दौरे पर है, जिसकी तहत आज उन्होंने बीजेपी की अल्पसंख्यक इकाई के साथ महोबा शहर के मदरसों का औचक निरीक्षण किया है और इस दौरान उनके द्वारा शहर के शेखू बता दें कि नगर इलाके में संचालित दारुल उलूम समादिया नस्वा मदरसे का उन्होंने औचक निरीक्षण किया है, जिसमें कई खामियां देखने को मिली है। देखिए, मैंने औचक निरीक्षण किया है और चूंकि आज एक त्यौहार भी है तो बच्चों की संख्या तो कम है, वो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का है उसको देखकर मुझे काफ़ी दुख हुआ है और मैं चाहता हूँ और यहाँ के जो मैनेजमेंट है इससे भी मैं आग्रह भी कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं सख्ती से भी कह रहा हूँ कि सबसे पहले बच्चों को अच्छी सुविधा दें, क्योंकि मदरसा बच्चों के लिए चलाया जाता है, ना कि टीचर और मैनेजर के लिए। और बता दें कि लगातार मंत्री ने यहाँ पर औचक निरीक्षण किया है, राज्य मंत्री तनवीर रिजवी ने औचक निरीक्षण किया और इस दौरान मदरसे में तमाम तरीके की खामियां पाई गई, जिसको लेकर मंत्री जी नाराज नजर आए हैं। बता दें कि महोबा के दौरे पर थे राज्य मंत्री तनवीर रिजवी और इस दौरान वे एक मदरसे में पहुंचे थे जहां पर तमाम तरीके की यहां पर खामियां पाई गई थी, जिसके बाद से उन्होंने मदरसे में खामियों को देखते हुए तमाम तरीके के निर्देश दिए हैं और साथ ही तमाम तरीके की शिक्षकों से वहां पर बातचीत करके और बच्चों से बातचीत की है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के मदरसा शिक्षा परिषद के सदस्य और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री तनवीर रिजवी महोबा में संचालित दारुल उलूम समादिया निस्वा मदरसे का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे और मदरसे में बच्चों की संख्या काफ़ी कम देखी गई थी, साथ ही मदरसे में व्यवस्थाओं में लापरवाही देखने को मिली थी, जिसको लेकर उन्होंने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है और साथ ही जमकर फटकार भी लगाते हुए नजर आए थे। मदरसे में पढ़ने वाले आने वाले बच्चों को और अन्य स्कूल में भर्ती अच्छी शिक्षा मिल सके, इसको लेकर वे तमाम तरीके की बातें कहते हुए नजर आए थे और साथ ही बता दें कि इसको लेकर उन्होंने बीजेपी के अल्पसंख्यक इकाई के साथ महोबा शहर के मदरसों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके द्वारा शहर में शेखू नगर इलाके में संचालित दारुल उलूम समादिया
नसवा मदरसे का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई खामियां मिलने के बाद कड़ी नाराजगी जताई। अचानक दर्जा प्राप्त मंत्री मदरसे पहुंचे जाने पर मौजूद अध्यापकों में काफ़ी हड़कंप मचने को देखने को मिला था, जिसके बाद से अध्यापकों से भी मंत्री जी बातचीत करते हुए नजर आए थे। उनका ये साफ तौर पर कहना था कि मदरसे अध्यापक के लिए नहीं होते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए होते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई पर फोकस किया जाए और साथ ही मदरसे में जो तमाम लापरवाही देखने को मिल रही है उसको सख्त सख्त जल्दी से जल्दी दुरुस्त किया जाए। महोबा के ऐतिहासिक किरत सागर तट पर चल रहे महोबा के महोत्सव कार्यक्रम में देर रात एक भक्त से ओतप्रोत मंच देखने को मिला है। वहीं बता दें कि रसिक इंटरनेशनल कानपुर द्वारा भगवान राम सीता लक्ष्मण सहित बाहुबली हनुमान के बेहतरीन झांकी की प्रस्तुति की गई। भगवान हनुमान के विशालकाल स्वरूप को देख दर्शक भी दंग रह गए। जिलाधिकारी मनोज कुमार सहित सभी अधिकारियों ने कलाकारों का माला पहनाकर स्वागत किया है, उनकी प्रस्तुति को जमकर सराहना की है। 15 फरवरी तक मंच में चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रसिक इंटरनेशनल ग्रुप की प्रस्तुति ने दर्शकों के दिलों में एक छाप छोड़ दी है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी मनोज कुमार द्वारा 19 वर्षों से बंद पड़े महोबा महोत्सव की शुरुआत किए जाने से जनपद वासियों में खास उत्साह देखने को मिला है। एसओजी टीम औरैया के थाना बेला पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस मुठभेड़ के दौरान अंतर्राज्यपदीय 4 अभियुक्तों को बता दें कि बंधुला रोड गैली मोड़ से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम का फायर करने पर पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई और मुठभेड़ में एक अभियुक्त की गोली लगने से वे घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए CIC बधुना भर्ती कराया गया है। उनके कब्जे से भारी मात्रा 35 किलो गांजा, एक देसी तमंचा, 315 बता दें कि कारतूस और साथ ही बिना नंबर के सफेद स्कॉर्पियो भी बरामद कर ली गई है। पुलिस द्वारा इस दौरान इस मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। एक सूचना प्राप्त हुई थी एसओजी की टीम को कि कुछ बदमाश हैं जो गांजे की सप्लाई करते हैं। ये लोग लगातार कई जनपदों में इस प्रकार से गांजा लाके सप्लाई कर रहे थे, तो इस पर एसओजी टीम को विश्वसनीय जो सूचना प्राप्त हुई थी लगातार उसका पीछा कर रही थी। जब ये बिजुना से बेला की तरफ आए अपराधी, तो उनको पता चल गया कि इनका पीछा किया जा रहा है। उन्होंने थानाध्यक्ष बेला को सूचना दी, तो दोनों तरफ से जब गाड़ियां उन्होंने देखी तो इधर एक गैली तिराहा जहां पर अभी आप खड़े हैं इससे आगे, यहां से अभियुक्तों ने गाड़ी मोड़ ली और अपने स्कॉर्पियो गाड़ी से उतर कर ये लोग भागने लगे। इनको रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया, जिसकी जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के दाहिने पैर पर गोली लगी है, जिससे जिसके बाद डूब गया। उसे प्राथमिक उपचार के लिए CHC भेजा गया है। और बता दें कि ये पूरा मामला औरैया से है, जहां पर थाना बेला पुलिस ने संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ये बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, उनके पास से तमाम चीज़ें बरामद की गई है। बता दें कि गांजा तस्करों और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ हुई है और इस दौरान फायरिंग भी की गई, और साथ ही बता दें कि अभियुक्त के गोली लगने से वे घायल हो गया था, जिससे उपचार के लिए CSC बिधुआ भर्ती कराया गया और उनके कब्जे से भारी मात्रा में 35 किलो गांजा, एक देसी तमंचा, 315 बोर कारतूस और साथ ही एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की गई है। पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है कि इस मामले को लेकर और भी जो बड़े गिरोह हैं उनके खुलासे हो सकते हैं। साथ ही बता दें कि पुलिस और गांजा तस्करों के बीच ये मुठभेड़ हुई है और इस दौरान जो आरोपी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तमाम चीज़ें उनके पास से बरामद कर ली गई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।